ठीक है, नमस्ते। मेरा नाम रंगोली अग्रवाल है और आज हम जो बातचीत करेंगे वो कोरोना के समय में सिनेमा पर कोरोना का क्या असर हुआ है और भविष्य में सिनेमा का क्या स्वरूप हो सकता है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी। मेरा नाम रंगोली अग्रवाल है। मैंने ये फिल्म स्कूल, जो पुणे में FTII फिल्म स्कूल है, वहाँ से सिनेमाटोग्राफी की पढ़ाई की है और अब कई सालों से मैं इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। बॉलीवुड में थोड़ा बहुत काम करती हूँ और बाकी इंडिपेंडेंट सिनेमा में काफ़ी काम करती हूँ। तो मेरा घर इलाहाबाद में है और मेरा कार्य क्षेत्र जो है वो ज़्यादातर बॉम्बे में होता है। लेकिन उसके अलावा हमारा जो काम होता है उसमें हमें घूम घूम के बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी लोकेशन पे शूट करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि कोरोना शुरू होने की वजह से शूटिंग सब रुक गई। लॉकडाउन के वक्त कहीं आना जाना पॉसिबल नहीं था, तो उसके चलते अभी इस लाइन का जितना काम है वो बहुत बहुत कम हो गया है। लॉकडाउन खुलने के बाद भी बहुत कम हो रहा है। ज़्यादातर बड़ी फिल्में शूट नहीं हो रही हैं, छोटी फिल्में भी बहुत कम शूट हो रही हैं। ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो ये तो मेरा मेरी निजी जीवन पे जो असर हुआ है वो मैंने आपको बताया। उसके अलावा लोगों ने हॉल में जाना बंद कर दिया है। सिनेमा हॉल में लोग जाते नहीं हैं। जितने एग्जिबिटर्स हैं उनको बहुत भारी नुकसान हो रहा है। जो फिल्में मार्च में रिलीज़ भी हुई थी, जिन प्रोड्यूसर्स ने उनको रिलीज़ किया था, वो भी समझ लीजिए बीच में ही रुक गई और उनके बॉक्स ऑफिस रिटर्न इतने नहीं हो पाए कि वो लोग उन्होंने पैसा जितना पैसा खर्च किया था वो वापस उसको कमा पाए। काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग भी बीच में रुक गई। बहुत सारे प्रोजेक्ट आधे शूट हुए हैं और अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चीज़ें नॉर्मल हों और कब फिर से शूट वापस कर सकें। तो फिल्म व्यापार को इस बीच काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इंडस्ट्री में जो पेमेंट होते हैं वो ज़्यादातर डेली बेसिस पे होते हैं, वहाँ पे तनख्वाह वाला सिस्टम नहीं होता है ज़्यादातर। तो ऐसे लोग जो कि अपनी रोज़ी रोटी, जिनकी फिल्म शूटिंग स्पेशली शूटिंग पे निर्भर थी, उन लोगों के पास अभी उन लोग सबकी बहुत हालत ख़राब हो रही है। काफ़ी नुकसान भी हुआ है और अब जबकि लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है तो चीज़ें धीरे धीरे शुरू तो हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से पहले काम होता था उसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब 2%, 3% काम हो रहा होगा। तो कोरोना के कारण काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई। जब ऐसी स्थिति शायद किसी ने कभी सोचा नहीं था कि होगी। और जो पहले की परंपराएं थी, जो जिस तरीके की व्यवस्था थी जिसमें कि शूटिंग होती थी, वो अब संभव नहीं है। क्योंकि पहले एक फिल्म की क्रू में 100-150 लोग का होना बहुत ही अमूमन बात थी। और अब जो जिस तरीके के प्रिकॉशन लेने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, कम लोगों की क्रू के साथ काम करना है, तो काफ़ी सारे उस स्केल की फिल्में, उस तरीके की फिल्में वो उन परंपराओं को फॉलो करते हुए ये पॉसिबल नहीं है। अभी हाल ही में राजामौली जी जो थे वो बाहुबली के डायरेक्टर हैं, तो उनकी अगली फिल्म RRR करके एक फिल्म है। तो ये सारी नई गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उन्होंने एक टेस्ट शूट किया था।
और उस टेस्ट शूट में जो उनको रिजल्ट मिला वो उससे बिल्कुल खुश नहीं थे, और उन्होंने अब अपनी फिल्म की शूटिंग पोस्टपोन कर दी है। तो एक काफ़ी फिल्में बनाने के तरीके में एक परिवर्तन आ रहा है। हम एक दौर का परिवर्तन देख चुके हैं, जो कि सिनेमा हॉल से टीवी, जब टीवी लोगों को आसानी से मिलना शुरू हो गया था, तो वो एक परिवर्तन आया था। और अभी कोरोना ये इंडिया में आने के पहले भी हम टीवी से ओटीटी की तरफ जा रहे थे। ओटीटी हो गया आपका ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, यानी कि इंटरनेट के द्वारा आप जो प्रोग्राम्स या फिल्में जो जो सारी चीज़ें देखते हैं वो ओटीटी में आता है। तो हम पहले ही से टीवी से ओटीटी की तरफ जा रहे थे, और कोरोना और लॉकडाउन की वजह से ये सारा परिवर्तन बहुत तेज़ी से होने लगा। मेरे ख्याल से लॉकडाउन में सभी लोग अपने फ़ोन पे या टीवी पर भी देख रहे हैं, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो फिल्में हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वही ज़्यादातर देख रहे थे। उसके अच्छा, क्योंकि नई फिल्में बन नहीं रही थी, तो जो पुरानी फिल्में थीं, बहुत सारी फिल्में अटकी हुई थीं, उनको रिलीज़ नहीं मिल रहा था, वो भी हमें देखने को मिली। जैसे कि एक फिल्म जिसमें मैंने काम किया था, वो 2 साल पहले बन गई थी, और उसको किन्हीं कारणों से उसका रिलीज़, थिएट्रिकल रिलीज़ नहीं हो रहा था, तो वो अभी हाल ही में सोनी लाइव टीवी पे दिखाई गई थी। फिल्म का नाम भोसले है। तो ये फिल्म जो है, इसमें बहुत बड़े स्टार नहीं, उसमें मनोज बाजपेयी हैं, जो हमारे आजकल के सबसे पॉपुलर स्टार हैं, या जिन स्टार्स पे प्रोड्यूसर्स पैसे लगाने को तुरंत तैयार हो जाते हैं, वैसे स्टार्स नहीं थे इसमें। छोटी सी फिल्म थी, कहानी बहुत अलग सी थी, कोई इसमें नाच गाना नहीं था। इसके जो डायरेक्टर हैं, अच्छा, कोई वैसी कोई हीरोइन नहीं, कोई आइटम नंबर नहीं था, लेकिन इस फिल्म को भी रिलीज़ मिला। और एक और चीज़ जो उभर के आई वो ये थी कि ऐसी फिल्मों की भी ऑडियंस भारत में है। लोग ऐसी फिल्में भी देखना चाहते हैं जिसमें कि स्टार्स की ज़रूरत नहीं है, जिसमें कहानी और किस तरह से जो फिल्म बनाने की कला है वो जिन फिल्मों में उसको उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। तो भारत की ऑडियंस में ऐसे लोग हैं जो कि वो देखते हैं और उसकी सराहना भी करते हैं। और भी फिल्में हैं, जैसे एक चिंटू का बर्थडे, वो Z5 पे आई थी, उसमें भी कोई स्टार्स नहीं है, बड़े स्टार्स नहीं है। उसमें एक्टिंग पे ज़्यादा ध्यान दी गई है, उसमें विनय शर्मा हैं, सीमा पाहवा हैं, जो कि थिएटर के और काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं। इस तरीके की फिल्मों का भी एक मार्केट बनने लगा और लोग देख रहे हैं। पहले हम ये जो हमारा सिनेमा था वो समझ लीजिए पूरी तरह से स्टार सिस्टम पे बेस्ड था, और उसमें कहानी, एक्टिंग, जो फिल्म की क्राफ्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, वो सब सेकेंडरी हो जाता था। लेकिन ये जो दौर बदल रहा है, इसकी वजह से छोटी फिल्में, छोटे फिल्मेकर्स, छोटे बजट की फिल्में, वो भी उनको भी एक जगह मिल रही है, एक स्पेस मिल रही है। दूसरी एक और चीज़ जो मैंने देखी कि शॉर्ट फिल्म्स का मार्केट, जो कि इंडिया में पहले बहुत ही कम था, वो लॉकडाउन के वक्त एकदम से खुल गया। बहुत सारे मैंने भी कुछ ऐसी शॉर्ट फिल्म्स जिसमें मेरा भी हिस्सा रहा है, उसको भी जो जिन लोगों ने बनाई, जिन लोगों ने प्रोड्यूस की, वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब उसका भी एक मार्केट है, और लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि वो ख़रीदना चाहते हैं। हॉटस्टार पे शॉर्ट फिल्म्स आने लगी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज,
अमेज़ॉन प्राइम दिखाने लगा है, और फ्लिपकार्ट जो कि उसका एक जो OTT प्लेटफॉर्म है उस पे उनका एक प्रोग्राम है जिसका नाम है जिंदगी इन शॉर्ट। उस पे उन लोगों ने एक शॉर्ट फिल्म्स का पैकेज बनाया हुआ है। यूट्यूब पे भी आपको देखने मिलेंगी। तो ये जो अलग अलग तरीके के कंटेंट की डिमांड बढ़ने लगी है, और क्योंकि हमारे पास नया कंटेंट कम है, तो काफ़ी पुराना कंटेंट जिसको मुश्किल थी ऑडियंस पाने के लिए, वो अब हमें दिखाई दे रहा है, अब हमको उपलब्ध हो गया है। फिर दूसरी बात ये कि OTT प्लेटफॉर्म्स जो कि अभी हमारे लिए एंटरटेनमेंट का एक तरीके से एकमात्र रास्ता बन गए हैं, वो उसकी भी अलग अलग प्रकार आ रहे हैं। ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं अभी, जैसे हमें जो जनरल प्लेटफॉर्म्स हैं एंटरटेनमेंट वाले, वही पता है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन प्राइम, हॉटस्टार, Z5, सोनी लाइव, अभी यही पता है। लेकिन क्योंकि इसमें अभी बहुत और विस्तार, बहुत सारे विशेष तरीके के प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, जो कि मतलब अलग अलग ऑडियंस को वो कोई स्पेसिफिक टाइप का OTT भी मिल जाएगा, और मुझे लगता है कि ये और बढ़ता जाएगा। स्पेसिफिक टाइप का OTT, जैसे कि अगर आपको कोई आर्ट हाउस सिनेमा देखना है या डॉक्यूमेंट्री देखनी है, तो मूवी करके एक OTT है जिसपे कि आप देख सकते हैं। उसमें भी कुछ मेंबरशिप की फ़ीस होती है, और कई फिल्में उसमें फ्री भी दिखाई जाती हैं। लेकिन जो फिल्में ऐसे सिर्फ फेस्टिवल्स में मिलती हैं या बाहर की फिल्में, वो सब हमको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। रीजनल कंटेंट बढ़ेगा। इस तरीके के OTT रीजनल कंटेंट को भी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर कोई बंगाली OTT है, या कोई मराठी OTT है, या जो और भी छोटे क्षेत्र हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के, उन सब जगहों के लिए भी स्पेसिफिक OTTs बन सकते हैं, और वहाँ के लोग उसको देखेंगे भी, क्योंकि जो उस भाषा को समझते हैं, उन लोगों के बीच में हमेशा ऐसे कंटेंट की डिमांड होगी। तो ये जो बड़े प्रोडक्शंस हैं, अच्छा, और OTT की जब बात करते हैं स्पेसिफिक OTTs की, तो उसमें एक एडुकेशनल फिल्म्स जैसे हैं, जिन लोगों को एडुकेशनल फिल्म्स में इंटरेस्ट है, एक कैनोपी करके OTT है, वो एडुकेशनल फिल्म्स के लिए है। फिर एक वी ड्रोम करके है, जिसमें कि वीडियो आर्ट दिखाई जाती है, फिल्म्स क्यूरेट की जाती हैं, जिन लोगों ने, जो फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं, उन लोगों से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से जब अलग अलग तरीके के OTT आएंगे और इस तरीके का कंटेंट लोगों को उपलब्ध होगा, तो लोगों को सिनेमा समझने की और देखने की जो क्षमता है, वो भी बदलती जाएगी। लोगों के टेस्ट धीरे धीरे बदलते जाएंगे। जो पुरानी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जैसे कि बड़ा प्रोडक्शन हो गया, स्टार सिस्टम, पहले की जो परंपराएं हैं कि कुछ ही लोगों के हाथ में सारी इंडस्ट्री की बागडोर है, इन सब चीज़ों को चुनौती मिली है। जो चुनिंदा लोग सब कुछ कंट्रोल करके बैठे थे, अब वो चीज़ बदल रही है, क्योंकि अब छोटे प्रोडक्शंस जो कि बहुत सारे और लोगों के लिए भी संभव है, उनको जगह मिल रही है, उनको ऑडियंस मिल रही है, उनको ये OTT प्लेटफॉर्म्स उनको खरीदने के लिए तैयार है, उनकी फिल्में खरीदने के लिए तैयार हैं। जैसे ये मुझे बताया गया था कि तेलुगु इंडस्ट्री जो है, वहाँ पे
जो सबसे पावरफुल लोग हैं जो कि इंडस्ट्री चलाते हैं वो काफ़ी कुछ जाति के आधार पे होता है। एक जो वहाँ पे जो जाति प्रधान है वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो ये इन इस तरीके की जो प्रथाएं थी इसको चैलेंज करने का एक मौका मिल रहा है छोटे प्रोडक्शंस को, छोटे पर्दे पर दिखाने वाली फिल्म्स, माइनॉरिटीज़ को आवाज़ मिल रही है और काफ़ी सारा जो कंटेंट जो बन रहा है वो एक एक ही क्लास के ऊपर बनता है, एक ही मतलब सारी फिल्में नहीं पर ज़्यादातर। तो मुझे लगता है उसमें भी बहुत वैरायटी आएगी, लोगों को अपनी कहानियाँ बताने का मौका मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़ जो हुई लॉकडाउन के दौरान वो ये हुई कि जो फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग हैं ज़्यादातर हम सिर्फ एक्टर्स को ही पहचानते हैं और जानते हैं, लेकिन जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं उन लोगों को भी एक आवाज़ मिली। बहुत सारे वेबिनार हुए, बहुत सारे क्लासेस हुए, ऑनलाइन क्लासेस हुए जहाँ पे लोगों को ऐसे टेक्नीशियंस से या निर्देशकों से या लेखकों से बातचीत करने का मौका मिला और फिल्म का किस तरह से मूल्यांकन किया जाता है उसके बारे में लोगों की जानकारी बढ़ी। जो एक तकनीकी इनसाइट होती है वो भी लोगों के साथ शेयर की गई। तो ये इस तरीके के जो वेबिनार, टॉक, क्लासेस थे ये बहुत लोगों ने, मतलब एक एक वेबिनार में हज़ार हज़ार लोग ज्वाइन करते थे। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे फिल्मों को देखने का जो नज़रिया है वो भी बदल रहा है। आज की ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। अब आप ये नहीं सोच सकते हैं कि हाँ एक स्टार को डाल दो तो फिल्म चल जाएगी। लोगों के स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, लोगों की डिमांड बढ़ रही है। तो प्रोड्यूसर्स को भी एक मैसेज जाता है कि जो स्टार बैक्ड सिनेमा है वो ही एकमात्र उपाय नहीं है फिल्म हिट होने के लिए। फिर एक और चीज़ जो हुई, बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल ऑनलाइन दिखाए गए इस दौरान, और अभी भी जो आगे के भी फिल्म फेस्टिवल्स हैं वो काफ़ी सारे फेस्टिवल्स काफ़ी हद तक ऑनलाइन ही फिल्में दिखा रहे हैं। तो जो फिल्में जो लोग उन जगहों पे जा नहीं पाते थे, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते थे या उनके पास समय का अभाव होता था, अब वो घर पे बैठ के ये फिल्में देख सकते हैं। फिल्म फेस्टिवल में जो सेमिनार वगैरह होते हैं वो सब उनका ऑनलाइन उनका प्रसारण हो रहा है, तो बहुत सारे लोग उसमें भाग ले सकते हैं। फिल्म फेस्टिवल में एक थिएटर की स्क्रीन में जितनी भी 400-500 सीट होती थी तो एक बार में लोग सिर्फ उतने ही लोग फिल्म देख पाते थे। अब क्योंकि ये ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल होने लगे हैं तो फिर हज़ारों मतलब लाखों लोग एक साथ फिल्म देख पा रहे हैं। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल ने अभी हाल ही में अपना अपने फेस्टिवल का कुछ हिस्सा ऑनलाइन फ्री कर दिया था जो कि आप यूट्यूब के द्वारा देख सकते थे। तो उसमें मतलब मिलियंस की तादाद में लोगों ने देख ये फिल्में देखी। तो मुझे लगता है एक तो ऑडियंस बढ़ रही है और इस तरीके की फिल्में जब आम जनता को प्राप्त होती हैं, अलग अलग देशों की फिल्में, तो काफ़ी आम जनता के भी लोग उसकी समीक्षा करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा कि बहुत सारे ब्लॉग्स और ये यूट्यूब चैनल्स जो कि सिनेमा को रिव्यू करते हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। तो ये सारे परिवर्तन जो है ये एक पॉजिटिव
डायरेक्शन में जा रहे हैं, इससे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ शुरू होती हैं। जहाँ पे वो पुरानी चीज़ें ख़त्म होती हैं, उसमें बहुत सारे उसकी वजह से बहुत सारी नई पॉसिबिलिटीज़ शुरू होती हैं। दूसरी चीज़ जो बदल रही है, मेरा एक दोस्त है जो कि सिडनी में एक यूनिवर्सिटी में सिनेमा पढ़ाता है, तो उससे बातचीत हो रही थी, तो वो बता रहा था कि कैसे जिस तरह से हम सिनेमा पढ़ा रहे हैं वो कैसे बदल गया कोरोना के समय में। उसने बताया कि पहले जो बच्चों को जो फिल्में बनानी होती थी अपने कोर्स के लिए, तो उनको ग्रुप्स में विभाजित कर दिया जाता था। मान लीजिए 10 लोगों का ग्रुप बन गया, 20 लोगों का ग्रुप बन गया, वो सारे लोग एक फिल्म बनाएंगे। अब क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था, तो हर बच्चे को अपनी एक निजी फिल्म बनानी थी। तो एक तो उसमें उनको फिर ऐसे तरीके निकालने थे कि कैसे अकेले फिल्म बनाई जाए, और पाठ्यक्रम भी चेंज हो जाता है, करिकुलम जो है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे पहले उनको लाइटिंग सिखाई जा रही थी, बड़े सेट कैसे बनाए जाते हैं, उसमें लाइटिंग कैसे करते हैं, बड़े कैमरा कैसे चलाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जा रही थी। लेकिन कोरोना की वजह से ये पूरा पाठ्यक्रम चेंज हो गया। टीचर्स अब बच्चों को सिखा रहे थे कि अच्छा ये फ़ोन है, फ़ोन फ़ोन पे कैसे फिल्म बनानी है, उसका कैमरा कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके क्या क्या ऐप्स हैं, क्या फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ोन में और क्या फीचर्स होते हैं। तो इस तरीके की पाठ्यक्रम इस तरीके से बदला कि जो चीज़ें आपके पास हैं घर में, जो उपलब्ध हैं घरेलू उपकरण, उन्हीं साधनों को लेके फिल्में बनानी है। और उसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म बनाने का ढंग बदल गया। क्योंकि फिल्म बनाने का ढंग बदल गया तो फिल्म के विषय बदल गए। बहुत सारी फिल्में निजी हो गई, अपने आत्मीय कहानियाँ लोग बताने लगे, बहुत पर्सनल फिल्में बनाने लगे। जो पहले के बने बनाए तरीके थे वो उन पर, मतलब पहले क्या होता था कि ये एक पाठ्यक्रम है, उसी को आप फॉलो कर सकते हैं, ये तरीका है ऐसे करते हैं, ये टेक्निक है इसी को फॉलो कर सकते हैं। और बच्चे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट करने में भी झिझकते थे, क्योंकि जब आप बड़े सेट पे जाते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी लाइटें, तो अपने आप जो ये एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा होती है वो उसमें डर लगता है, क्योंकि बहुत कुछ दांव पे होता है, तो आपको लगता है कि नहीं चलो ये सेफ तरीका ही अपनाते हैं। तो जब आप घर पे हैं, जब और किसी का कोई प्रेशर नहीं है, तो बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए डरते नहीं हैं। और क्योंकि ये एक चैलेंजिंग मतलब आपके ऑलरेडी एक चैलेंज है कि कैसे आप जो जो कहानी आप बताना चाहते हैं उसको आप अपने घर के साधनों से, अपने घर में जो रिसोर्सेज हैं उससे आप कैसे अपनी कहानी बता पाएंगे, तो ऑलरेडी सोचने का तरीका अलग हो जाता है। तो अपने एक्सपेरिमेंटेशन अपने आप ही आ जाता है। तो बहुत सारे लोग जो है, जब ये घर पे फिल्में बनाने का उनको मौका मिला, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया। और ये जो प्रोफेसर है वो, उसने बताया कि बहुत सारे लोगों का के एक्सपेरिमेंट्स सक्सेसफुल हो गए, उनको काफ़ी सफलता मिली। और ये जो चीज़ है, ये जो बदलाव सोच में, सब्जेक्ट में, ये जो चीज़ आई है, ये जब चीज़ें वापस नॉर्मेलिटी की तरफ लौट जाएंगी तो भी वो जहन में रह जाएगी, वो एटीट्यूड एक्सपेरिमेंट करने का या कुछ नहीं में भी कुछ बना लेने का, जो जिस तरह से दिमाग काम करता है, वो चीज़ जहन में फिर भी रह जाएगी।
आने वाली जो पीढ़ी है, मुझे लगता है जो मतलब आज के जो स्टूडेंट हैं वो कल के फिल्म मेकर्स बनेंगे, तो सिनेमा का स्वरूप ऑलरेडी बदलने लगा है। मतलब जो चीज़ें उसको बदलेंगी वो ऑलरेडी मोशन में सेट हो गई हैं। अब मुझे लगता है जो इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन होता था, जो कि बड़े सेट्स, मतलब 500 लोगों की क्रू, बड़ी बड़ी ट्रक आ रही हैं, भारी भरकम इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, 100-200 एक्टर एक ही सीन के लिए लगे हुए हैं, तो ये सब चीज़ें आउटडेटेड होती जाएंगी। फिर जो एक और परिवर्तन जो ऑलरेडी कहीं कहीं दिखाई दे रहा है वो ये कि जो सिनेमा की भाषा होती है उसमें परिवर्तन आ रहा है। ये हम मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी देख ही रहे हैं। जब सिनेमा हॉल जब फिल्में सिर्फ सिनेमा हॉल में देखी जा सकती थी, और जब कैमरा बड़े बड़े कैमरा होते थे जो कि जिनको हिलाया नहीं जा सकता था, तो सिनेमा की एक भाषा थी। फिर धीरे धीरे जब टीवी आया तो फिर सिनेमा की अलग भाषा हो गई। टीवी पे आप एक्सट्रीम वाइड शॉट नहीं दिखा सकते हैं। एक्सट्रीम वाइड शॉट दिखाएंगे तो उसमें जो छोटा डिटेल जिस पे कि फिल्म मेकर चाहता है कि आप ध्यान दें वो रह जाएगा। तो जब टीवी आया तो वाइड से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिड लॉन्ग शॉट या मिड शॉट लेते थे, और टीवी में साइलेंसेस नहीं होते थे क्योंकि लोग जो है जब घर पे टीवी देख रहे हैं तो कुछ काम करते जा रहे हैं, तो अगर उसमें वो साइलेंस आ जाएगा तो वो जो भी चीज़ दिखाई जा रही हो सब वो मिस हो जाएगी। तो टीवी में साइलेंसेस ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किए जाते थे, पॉजेस ज़्यादा नहीं इस्तेमाल की जाती थी। तो ये एक दौर हमने देखा ही था। और अब क्योंकि लोग अब ज़्यादातर चीज़ें अपने फ़ोन की स्क्रीन पे देखने लगे हैं तो स्क्रीन छोटी हो गई है। अब आप देख रहे हैं कि अब बहुत सारा कंटेंट जा रहा है, स्पेशली जो एड्स वगैरह बन रहे हैं वो उसमें एक तरीके की लैंग्वेज हो गई है जिसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मिड क्लोज़अप देखते हैं, क्योंकि जैसा कि आप अभी जो शॉर्ट साइज़ आप मेरा देख रहे हैं वो लगभग उससे बड़ा शॉट आप ज़्यादातर देखते नहीं हैं। और क्योंकि हम इतने सारे जूम कॉल, वीडियो कॉल, इन सब चीज़ों के आदि हो गए हैं, फ़ोन के द्वारा शूट की हुई चीज़ें इनके इतने आदि हो गए हैं, तो वो भाषा भी हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली वो हमने उसके लिए हमारे मन में उसके लिए काफ़ी एक्सेप्टेंस आ गया है। और जब कैमरा हल्के हुए थे तो पहले पहले तो कैमरा एक जगह रख दिया जाता था और उसको हिलाया नहीं जा सकता था, तो सिनेमा की भाषा वैसी ही थी। जब कैमरा हल्के हुए तो लोग ने शॉर्ट्स में बहुत सारे मूवमेंट देखना शुरू कर दिया। अब फ़ोन से लोग ये कैमरा इतना छोटा हो गया है और इतना इन्वेसिव हो गया है कि आप कहीं भी जा सकते हैं उसको लेके। बहुत सारे ऐसे मूवमेंट पॉसिबल हैं जो कि जो हम प्रोफेशनली कैमराज इस्तेमाल करते हैं उसमें भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ जो ये टीवी के आने से जो लाइव प्रसारण होते हैं, चाहे वो गेम्स का हो गया चाहे रियलिटी टीवी का हो गया, ये सब चीज़ें एक नया तरह का कंटेंट था। अब क्योंकि लोगों के हाथ में फ़ोन है और हर किसी के हाथ में फ़ोन है आजकल, स्मार्टफोन हर किसी के हाथ में, तो ये जो चीज़ों को लाइव ले जाने की बात है ये एक कदम और भी आगे बढ़ गई है। अब लोग अपने घरों में या किसी के भी घर में उस फ़ोन को लेके घुस सकते हैं, और जिस तरीके का कंटेंट हमें मिलता है, जिस तरीके के विषयों पर बातचीत पॉसिबल हो गई है वो बड़े कैमरे के साथ पॉसिबल नहीं थी। तो ये छायांकन का भी स्टाइल बदल गया। जैसे सिनेमा
सेल्फी स्टाइल एक हो गया है शूट करने का, या फ़ोन का जो स्टाइल है वो एक स्टाइल हो गया है शूट करने का, और वो सब हम लोग एक ऑडियंस के तौर पे हम उसको एक्सेप्ट करने लगे हैं। और ये सब कोरोना की वजह से और तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि अब जो कंटेंट है वो बहुत सारा कंटेंट ये फोन्स पे ही बनाया जा रहा है। फिर दूसरी चीज़ जो जिसमें मतलब बदलाव आएगा, मुझे लगता है जो लेखन है उसमें बहुत बदलाव आएगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादातर सिर्फ इतना देख सकते हैं जो कि स्टाइल, जो कि एक स्टाइल ऑलरेडी निकल के आ रहा है, तो उसमें मतलब डायलॉग लेखन वगैरह इतना उसमें इतनी रचनात्मकता चाहिए होगी कि वो बोरिंग ना लगे, उसको कैसे एंटरटेनिंग बनाया जाए, उसके लिए लेखकों को बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा। और जो शूटिंग के मतलब इस लॉकडाउन, मान लीजिए लॉकडाउन फिर से लगता है, या जब तक कि लोग खुल के आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लोगों ने काफ़ी तरीके निकाले हैं। जैसे एक फिल्म थी बनाना ब्रेड करके, रसिका दुग्गल ने और मुकुल चड्ढा ने उसमें एक्टिंग की है, तो वो उन लोगों ने खुद ही शूट की। वो शॉर्ट फिल्म है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, बनाना ब्रेड नाम है। फिर मुझे एक कॉल आया था सनफीस्ट का एड शूट करने के लिए, और मैं उस वक्त क्वारंटीन में थी, तो मैंने वो शूट नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने उसे देखा, तो वो उन्होंने कई सारी जगहों पे अलग-अलग लोगों को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता के ये एड शूट करवा लिया था। फिर सब लोगों ने अलग-अलग अपने कैमरे से या फ़ोन से शूट करके वो फुटेज उनको भेजी, जो कि उन्होंने एडिट करके उसमें वॉइस ओवर म्यूज़िक डाल के वो ऐड तैयार किया था। सनफीस्ट का ऐड था ये, सनफीस्ट बाउंस का ऐड था। तो इसमें ऐसे भी लोगों ने हिस्सा लिया था जो कि प्रोफेशनल नहीं थे। तो ये जो एक ये फिर से वही चीज़ होती है कि जो सिस्टम ऑलरेडी बने हुए हैं उनको चुनौती दी जा रही है, उनको चैलेंज किया जा रहा है, कि ज़रूरी नहीं है कि शूट करने के लिए सिनेमाटोग्राफर का ही होना ज़रूरी है या डायरेक्टर का होना ज़रूरी है। ये एक जो कोलैबोरेशन बन रहा है लोगों का, और इतनी जो समझ लोगों की तेज़ हो गई है कि क्या अच्छा शॉट होता है, क्या ख़राब शॉट होता है, वो भी बहुत बढ़ गई है। जैसे जब लोग वीडियो कॉल करते हैं, बहुत सारे लोगों को लाइटिंग का ध्यान आने लगा है कि ये कौन सी लाइट इस्तेमाल करें, या हम यहाँ इस बल्ब को जला के यहाँ पे खड़े होंगे तो ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। तो ये जो समझ है ये भी मुझे लगता है आम जनता में भी इसकी बहुत जागरूकता बढ़ रही है। फिर एक और तरीका जो शूट का मेरे जो सिनेमाटोग्राफर दोस्त हैं उनमें से एक दो लोगों ने किया, रिमोट शूटिंग कर रहे हैं वो, घर पे बैठ के इंटरनेट से दो अलग शहरों में शूटिंग को सुपरवाइज कर रहे हैं। तो जो लोग शूट कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि सिनेमाटोग्राफर हों, लेकिन वो इंटरनेट से लाइव फीड लेके वो उनको गाइड करते हैं कि अच्छा इसको ऐसे शूट करो, इसको ऐसे शूट करो। तो ये भी एक तरीका निकला हुआ है। तो जो जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ भी नई, कोई भी नई चीज़ की शुरुआत होने के लिए जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी थोड़ी तोड़फोड़, थोड़ा खंडन ज़रूरी होता है। तो ये जो चेंज आ रहे हैं ये मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे, और इनका असर मतलब दूर तक दिखाई देगा। और ज़रूरी नहीं कि ये ख़राब बात हो, बल्कि जो जो काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं जो हो रही हैं वो काफ़ी एक्साइटिंग भी है।
क्योंकि जो मतलब आम जनता है, जो नॉर्मल लोग हैं, जिनका कोई जिनके पास सिर्फ टैलेंट है, उनको भी एक चांस मिलने का, उनको चांस मिलने की संभावना बढ़ गई है। तो मैं तो बहुत होपफुल हूँ और पॉजिटिव हूँ, और देखते हैं क्या होता है। तो ये मेरे कुछ थोड़े से विचार थे इस टॉपिक के बारे में। अगर आप लोग के पास कोई सवाल हो तो फिर मैं कोशिश करूँगी उनके जवाब देने की। अगर कोई सवाल ना हो तो फिर मैं आप लोगों की इजाज़त लूँगी, शुक्रिया। आई होप कि लोगों को कुछ प्रेरणा मिली होगी। मेरे लिए भी ये इस बातचीत को तैयार करने में मुझे भी बहुत मज़ा आया, और इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक सवाल आया है, कंटेंट में और किस तरह के बदलाव आए हैं। कंटेंट में इस तरह से बदलाव आए हैं कि लोग अब अपनी निजी कहानियाँ, बहुत ही व्यक्तिगत कहानियाँ, उनको भी सब्जेक्ट बना के उसके बारे में फिल्म बना रहे हैं। और जो जो घिसे पिटे फॉर्मूले थे कि हमेशा रोमांस, मतलब हीरो हीरोइन विलेन, इन सारी चीज़ों से हम हटते जा रहे हैं, हम वो फॉर्मूला छोड़ रहे हैं। लोग इस तरीके, जैसे कि अगर आपने इस फिल्म का नाम सुना हो, ट्रैप्ड, ट्रैप्ड करके एक फिल्म आई थी, ये विक्रमादित्य मोटवानी जी की, जिसमें राजकुमार राव थे। ये कोरोना काल के पहले की फिल्म है, लेकिन इसको समझ लीजिए 90% फिल्म एक कमरे के अंदर बनी हुई है। और उसकी कहानी सिंपल सी है कि एक आदमी एक कमरे के अंदर फंस जाता है, वो बंद हो जाता है और वो निकल नहीं पा रहा है। तो लगभग 1.5 घंटे के लिए हम सिर्फ एक आदमी को देख रहे हैं और एक कमरे में बंद है। पर जब मैंने वो फिल्म देखी थी तो वो कहीं से भी बोरिंग नहीं लगी। तो इस तरीके का, अच्छा, क्योंकि वो जब थिएट्रिकल रिलीज पॉसिबल था तब वो थिएटर में रिलीज हुई थी और उसको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई। पर अगर ये कोरोना के टाइम में इसको दिखाया जाता तो मुझे लगता है कि ये बहुत सक्सेसफुल हो जाती। दर्शक क्या पार्ट अच्छा, राजकुमार जी ने एक सवाल किया है, आपको इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा कैसे मिली, जबकि सिनेमा का क्षेत्र सुनकर ही घर में एक अलग सा माहौल हो जाता है। हाँ, एक्चुअली मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था और कहानियों में बहुत रुचि थी, तो मैं कहानियाँ लिखती थी। और जब कहानियाँ लिखती थी तो जब लोग पढ़ते थे तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो मैं बताना चाहती हूँ, लोगों की इमेजिनेशन तो कुछ अलग चल रही है, क्योंकि हर किसी की कल्पना में चीज़ें अलग ही होंगी। तो उसका मुझे लगा एक तोड़ है कि मैं इनको दिखाऊं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। और उस चीज़ को परस्यू करते 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 मैं
सिनेमाटोग्राफर बन गई। फिल्म निर्माण में आमजन की भूमिका कुछ बड़ी है। हाँ, ये मुझे लगता है कि फिल्म निर्माण में आमजन की भूमिका डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि ये जो पोस्ट बना दी जाती हैं फिल्म में कि ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, ये सिनेमाटोग्राफर है, ये डायरेक्टर है, ये एडिटर है, ये साउंड डिज़ाइनर है, ये सारी चीज़ों को अब चुनौती मिल रही है, क्योंकि अब जो जिस भी इंसान के हाथ में फ़ोन है वो कुछ शूट कर सकता है। और कई बार मतलब जब जो मैंने काफ़ी सारे लोगों के शूट की हुई चीज़ें देखी, थोड़ा सा ऑनलाइन कुछ गाइडेंस लेने के बाद बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया शूट कर रहे हैं, और जो हम जिस तरीके के ऑडियंस हो गए, जैसे हम लोग प्रोफेशनल्स में फ़ोन की क्वालिटी को अच्छा नहीं माना जाता है कि वो फ़ोन की क्वालिटी से जो ये वीडियो शूट किया है उसकी वो बड़े पर्दे पे दिखाने लायक नहीं है। ये सच बात है कि वो बड़े बड़े पर्दे पे दिखाएंगे तो फटने लगती है इमेज, लेकिन आजकल हम बड़े पर्दे पे देखने जा ही नहीं रहे हैं चीज़ें। हम जो देख रहे हैं वो छोटे फ़ोन की स्क्रीन पे देख रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा टीवी की स्क्रीन पे देख रहे हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो उस क्वालिटी की आवश्यकता ही नहीं है अभी। तो बहुत सारे लोग क्योंकि जब फ़ोन पे जब आप फ़ोन लेके शूट करना शुरू करते हैं, कुछ शूट किया, पता चला नहीं अच्छा लगा, आप खुद को भी सिखाते रहते हैं, और धीरे धीरे करते करते बहुत सारे लोग जो कि जिनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई है, वो अपनी चीज़ें शूट कर रहे हैं और उनको ऑडियंस भी मिलती है, लोग देख भी रहे हैं और लोग तारीफ़ भी करते हैं, पसंद भी आता है लोगों को। और एक और चीज़ ये जो मुझे लगती है कि अब एज एन ऑडियंस हम लोग ये सारी जो तकनीकी कमियां हैं हम उनको नज़रअंदाज भी कर देते हैं। अब हमारा माइंड उस चीज़ के लिए ट्रेन हो गया है कि अब हम देखते हैं कि कंटेंट क्या है, जो दिखाया जा रहा है वो क्या है, वो हमारे लिए सबसे उसकी प्रधानता ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अब और सवाल नहीं है तो मैं इजाज़त लूँगी। थैंक यू वेरी मच। जितने लोग देखे हैं और जिन्होंने सवाल पूछे, रविकांत जी, देवेंद्र जी, राजकुमार जी, नितिन यादव जी, गीता जी, नीरा जी, दीपक जी, राजा राम जी, सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।